बुनियादी सुविधाएं भी अमूमन साथ छोड़ देती है, लेकिन सिक्की खास के गुजरे की ख्वाहिश क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता पराशर। कहाँ से आए हैं? पटना से हैं। और बिहार पेवेलियन में अभी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग मेला में मुझे इनवाइट किया गया था। यहाँ पे अपनी हस्त कला को और अपने हस्त निर्मित चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? मेरा सारा हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट है, और ये बिहार के जो फोक आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, इन दोनों पे तो लगातार मैं काम कर रही हूँ, और उसको हमने वो सारे प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया। इसके साथ साथ बिहार की एक और पेंटिंग है जो लुप्तप्राय है, जो जिसका नाम है पटना कला, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, उसकी भी पेंटिंग्स को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया। कहाँ पटना कला पेंटिंग कहाँ पे है? पटना कला पेंटिंग सर, ये पटना कलम पेंटिंग है, और ये 150-200 साल पुरानी पेंटिंग है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में हम लोग इस पर काम करते थे, हमारे जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, और आज के समय में कलाकार इस पर काम नहीं करते हैं। उस समय का जो दैनिक जीवन होता था, जो लाइफ होती थी, उस पर काम होता था। मैं आपको कुछ और पेंटिंग्स भी दिखाती हूँ। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे है? मधुबनी पेंटिंग आपके पास है ना? बहुत सारी अभी दिखाते हैं। पेंटिंग्स सभी मधुबनी पेंटिंग्स है। मधुबनी पेंटिंग को हमने कपड़े पे और क्राफ्ट पे सब पे हमने यूज़ किया है। ये वॉल पीसेज हैं जिसको हम प्रिंट करा। क्या प्राइस है ये सब पेंटिंग का? हमारे पास पेंटिंग्स जैसे कि हमने मास्क पे भी यूज़ किया, तो मास्क पे जैसे मेरे मधुबनी पेंटिंग है, ये 60 रुपये से शुरू होता है, और 60 रुपये से शुरू होकर के 10,000-12,000 तक की पेंटिंग्स मेरे पास है। ये सभी पेंटिंग्स भी हैं। तो क्या जो यहाँ प्रगति मैदान में ये मेला लगा है, ये पेपर पे बना हुआ है, मेरे पास कैनवास पे भी बनी हुई पेंटिंग्स हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ का? अभी तो आज पहला दिन है। हाँ, अभी तक तो मेरे मास्क बहुत ज़्यादा निकले हैं, लोगों को मास्क यूनिक लग रहे हैं, लोग बहुत खुश होकर के ले रहे हैं। मास्क कितने से कितने प्राइस तक का है आपके पास? मेरे पास 60 रुपये तक का मास्क है, बस हमने एक ही प्राइस सबका रख दिया। पहले तो मेरे पास बहुत था, 40 से लेकर के और 100 तक की रेंज में। सिल्क पे भी मैं बहुत मास्क बना। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मास्क का डिमांड है अभी? तुरंत तो मास्क का ही डिमांड है, अब इसके बाद देखती हूँ और क्या क्या बताएं। ये मेरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में तो पहला मौका है, इसके पहले तो और बहुत सारे मेला में हमने। तो आप लोग क्या खुद ये बनाते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास पूरी टीम है। पहले कितने तो लोगों की टीम है? अकेले हमने काम शुरू किया था, जैसे जैसे काम बढ़ता गया मेरा कारवा भी बढ़ता गया, तो अभी मेरे पास आर्टिजन और आर्टिस्ट मिला करके करीब 35-40 हैं, और बाकी जो हमारे और सपोर्टर हैं उन लोगों को मिला के लगभग मेरी की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से तो हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। पूरे भारत में जहाँ भी ये मिलता है, लगता है, मेला लगता है, कोई एग्जीबिशन लगता है, उसमें हम लोगों को भेजा जाता है सरकार के खर्चे पे। उसके अलावा भी बहुत सारा सहयोग है। अभी मुझे स्टार्टअप भी मिला है, जिसकी वजह से मैं अपने काम को बहुत आगे। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप बिहार, और भी सरकार की जो जो योजनाएं होती हैं, तो हम लोगों को जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को बीच बीच में उसका बहुत लाभ हम लोगों को सरकार की तरफ से मिलता रहता है। क्या नाम है आपका? मनोज माधव। ये कहाँ से आप आए हैं? मधुबनी से। अच्छा, मधुबनी। तो यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉल आप लगाए हैं? मधुबनी पेंटिंग। तो क्या लोग, आज पहला दिन है, तो क्या है रेट वगैरह क्या है इसके? रेट इसका कोई फिक्स नहीं है, फिर भी जैसा काम। शुरुआत कितने से है? शुरुआत तो 50 रुपये से है। और लास्ट? लास्ट है 10,000 का भी है, 15,000 का है, 2,000 का है, 1,500 का, काम के ऊपर जैसा काम रहता है। तो अभी कोरोना के 2 साल बाद ये प्रगति मैदान लगा है, 2 साल बाद, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। हम लोग 2 साल कुछ नहीं कर रहे थे घर पर अपना। तो कैसे आप लोग का रोजी रोटी चल रहा है? रोजी रोटी कैसे चलेंगे, वही घर पर रहते हैं तो यही काम करते रहते हैं। तो आप लोग क्या खुद इस पेंटिंग को बनाती हैं? हाँ, घर में लोग बनाते हैं।